हो गई सुबह तुम्हारी? आग तो काफी देर। सिर्फ ये देखने के लिए कि अगर मैं ना कॉल करूं तो तुम्हें भी ख्याल आता है या नहीं। तुम्हें याद करने के लिए तुम्हें फोन करना जरूरी नहीं है मेरे लिए। क्यों? क्योंकि जब मुझे तुम्हें देखने का दिल चाहता है तो मैं खुद को आईने में देख लेती हूँ, और जब तुमसे बात करने का दिल चाहता है तो खुद से बातें कर लेती हूँ। दिल कर रहा है उड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं और तुम्हारे सामने बैठ के बातें सुनूं। तो आ जाओ ना। देखो सीरियसली आ जाऊंगा, फिर ये मत कहना कि सुबह सुबह तुम आ जाओ, मगर मेरी बातें सुनने के लिए नहीं, मुझे स्कूल ड्रॉप करने के लिए। ठीक है, फिर नाश्ता भी साथ बाहर करेंगे। ठीक है, मुझे बस चेंज करना है तो मैं रेडी हो जाऊंगी। लेकिन सुनो, वही ड्रेस पहन कर आना जो मैंने तुम्हें गिफ्ट किया था, वो कलर तुम पे बहुत सूट करता है। ओके, लाफ्टर लाफ्टर। अस्सलाम वालेकुम मिल्की साहब। वालेकुम सलाम, आ गए तुम? जी। एक बात हो मुझसे। जी जी बोले। पढ़ लिख कर कौन सा ये तीर मार लेंगी? जमाना तो तुमने देखा है। मैं तो कहती हूँ आयशा के हाथ पीले कर दो, बिन माँ की बच्चियां हैं, और घर में कोई औरत भी तो नहीं है समझाने वाली। आपा, आयशा की शादी हो जाएगी, वो अपने घर चली जाएगी, इस छोटी का क्या होगा? मैं तो सारा दिन बिजी होता हूँ। ठीक कहा तुमने, घर में तो कोई औरत है नहीं, और आयशा में तो इतनी अकल है नहीं कि अपना अच्छा बुरा सोच सके। भाई बच्चों की तरबियत तो औरतों का काम होता है, और मैं किस दिन काम आऊंगी? मरियम को मेरी तरफ छोड़ देना, फूफी हूँ उसकी, मैं नहीं संभालूंगी तो और कौन संभालेगा? नहीं आपा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आयशा ब्याह के आपके घर चली जाएगी, फिर मरियम अगर वहां चली गई तो आपका घर शायद डिस्टर्ब हो जाए। वैसे भी बच्चियां मेरी जिम्मेदारी, आपकी नहीं, और मैं नहीं चाहता कि मरियम की वजह से कोई प्रॉब्लम हो आपके घर। ये तो बड़ी गैरों वाली बात कर दी तुमने, आखिर बड़ी बहन हूं मैं तुम्हारी, भाई मरियम मेरी तरफ पल जाएगी तो कौन सी बुरी बात होगी? ऐसी बातें ना किया कर, चलो चाय पी लो, ठंडी हो रही है। नहीं आपा, मैं जरा नमाज पढ़ लूं, कज़ा हो जाएगी।